दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक अमेजिंग टूल शेयर करने वाला हूँ। इस टूल के माध्यम से आप अपनी एफिलिएट वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो एंड इस वेबसाइट को प्रमोट करके आप महीने के $1000 तक को अर्न कर सकते हो। एंड दोस्तों इस टूल की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। मीन्स ना तो आपको यहाँ पर होस्टिंग परचेज करने का खर्चा उठाना पड़ता है, ना ही आपको यहाँ पर डोमेन परचेज करना पड़ता है। मीन्स यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट कर सकते हो और इस वेबसाइट को प्रमोट करके आप महीने के $1000 तक को अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको भी एफर्ट वेबसाइट को क्रिएट करना सीखना है और इसको प्रमोट करके मनी मेक करना सीखना है तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, एक भी पार्ट को आपको मिस नहीं करना है, अदरवाइज आप इस अमेजिंग टूल को मिस कर दोगे। दोस्तों एफिलिएट वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक नीच को सेलेक्ट करना होगा जिसके अराउंड आप अपनी पूरी वेबसाइट को बिल्ड करोगे। एंड दोस्तों नीच सेलेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है आपको अपने एफिलिएट नेटवर्क के ऊपर आना है, जैसे कि मैं Digishow24 के ऊपर आ चुका हूं। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको कितनी सारी नीचेस मिल रही है जिसके अराउंड आप अपनी एफिलिएट वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की नीच मिलती है जिसके अराउंड आप अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हो। आप पर्सनल डेवलपमेंट के अराउंड अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हो। आप होम एंड गार्डन के अराउंड अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हो। आप यहाँ पर ई बिजनेसेस के अराउंड अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हो या फिर आप हेल्थ एंड फिटनेस के अराउंड अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर हेल्थ एंड फिटनेस के एग्जाम्पल ले रहा हूँ और हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर हमारी एक सब नीश आती है वेट लॉस, तो मैं वेट लॉस के अराउंड अपनी वेबसाइट को बिल्ड करूंगा। आप सेम आइडिया लेकर अपनी किसी भी एक सब नीश को चूज कर लेना और उसी के अंदर जैसा मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से आपको वहां पर अपनी एफिलिएट वेबसाइट को क्रिएट कर लेना है। अपनी एक डेमो वेबसाइट को ओपन कर रखा है, इसी वेबसाइट का आइडिया लेकर हम अपनी एक वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। एंड गाइज यू कैन सी बहुत ही सिंपल वेबसाइट को मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है और इसके ऊपर अभी तक मैंने 3 पोस्ट को ही लिखा है। आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर सभी पोस्ट की इमेजेस आपको यहां पर साफ नजर आ रही होंगी और सभी पोस्ट के टाइटल्स भी आपको यहां पर साफ दिख रहे होंगे। अगर मान लो बंदे को इस वाली पोस्ट को रीड करना है तो सिंपली वो क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करेगा। जैसे वो क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके सामने यह वाली पोस्ट ओपन हो जाएगी। सिंपली वो पोस्ट को यहाँ पर रीड करेगा और आखिरी में हमने यहाँ पर लगा दी है अपनी एक्शन लाइन और यहाँ पर लगा दिया हमने एफिलिएट लिंक, वो इसके ऊपर क्लिक करेगा। अगर उसको एक्चुअली में अपना वेट लॉस करना होगा तो डेफिनेटली वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेगा और वहां से हम मनी मेक कर पाए। तो गाइस आपको इस तरीके की वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है और कैसे इसको प्रमोट करना है अब उसकी स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली इस टूल के ऊपर आना है जिसका नाम है गूगल साइट्स, और इसके ऊपर आने के बाद आपको सिंपली ब्लैंक का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने न्यू इंटरफेस आता है। अभी इसी इंटरफेस के माध्यम से हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। तो गाइस यहां पर आपको पहला ऑप्शन मिलता है साइट नेम का, तो सिंपली यहां पर आपको अपने साइट का नेम रख देना है। जैसे कि मैं यहां पर अपने साइट का नेम रख देता हूं वेट लॉस। देन उसके बाद यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है साइट का टाइटल का, तो सिंपली यहां पर हम अपने साइट का टाइटल रख देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने साइट का टाइटल रखा था वेट लॉस गाइड, तो सिंपली मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर अपने साइट का टाइटल रख लिया। देन उसके बाद अगर आपको अपने साइट के टाइटल को यहाँ पर कस्टमाइज करना है तो उसको कस्टमाइज कैसे कर सकते हो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज इसको कस्टमाइज करने के लिए सिंपली आपको इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करके यहाँ पर आप इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको इतने सारे फॉन्ट मिल रहे हैं जिसके अनुसार आप यहां पर इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आप यहां पर अपने फॉन्ट के साइज को घटा सकते हो, बोल्ड करना तो आप यहां से बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक करना इटैलिक कर सकते हो। अगर यहां पर आपको इसके कलर को चेंज करना है तो वो भी आप यहां से कर सकते हो, और यहां पर अगर आपको अपने एफर्ट लिंक को लगाना तो उसको भी आप यहां पर लगा सकते हो। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप अपने टाइटल को इजिली कस्टमाइज कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने यहां पर आपको दिखाता हूं, यहां पर मैंने इसके बैकग्राउंड के अंदर इस प्रकार का यहां पर इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट कर रखा है। इसी टाइप का बैकग्राउंड आपको कैसे लगाना है उसका तरीका मैं आपको बताता हूं। तो गाइस उसके लिए आपको सिंपली चेंज इमेज का ऑप्शन यहां पर नजर आ रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन आपको यहां पर मिलता है अपलोड का और दूसरा ऑप्शन आपको यहां पर मिलता है सेलेक्ट इमेज का। मान लो आपने यहां पर गूगल की मदद से किसी भी प्रकार की इमेज को डाउनलोड कर रखा है तो उस इमेज को आप यहां से अपलोड कर सकते हो, परंतु आप गूगल साइट की मदद से यहां पर इमेज को लगाना चाहते हो तो उस केस में आपको सेलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं,
जिसके माध्यम से आप अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पर अपनी इमेज को लगाना है तो उस केस में मैं सर्च के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने सर्च का ऑप्शन आता है और यहाँ पर मुझे वेट लॉस से रिलेटेड अपनी इमेज को लगाना है, तो सिंपली मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा वेट और लॉस और सर्च के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं सर्च के ऊपर क्लिक करूंगा तो वेट लॉस से रिलेटेड जितनी भी इमेजेस यहाँ पर होंगी सारी इमेजेस मेरे सामने आ जाएंगे। जैसे कि ये इमेज मुझे यहाँ पर लगानी है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हम सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमारी इमेज लग जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर हमने अपना टॉप मोस्ट पार्ट था, जो ये वाला पार्ट था, उसको कंप्लीटली हमने यहाँ पर कस्टमाइज कर लिया। देन उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको अपने आर्टिकल्स बनाने। अब ये आर्टिकल्स आपको यहाँ पर कैसे बनाने हैं उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इस आर्टिकल्स को बनाने के लिए यहाँ पर आपको कुछ इंटरफेस को सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं जिसके माध्यम से यहाँ पर आप अपने इंटरफेस को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे इस इंटरफेस को यहाँ पर लगाना है तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। देन उसके बाद मान लो मुझे यहाँ पर 4 से 5 आर्टिकल बनाने हैं तो उतने इंटरफेसेस को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 3 आर्टिकल बनाने हैं तो मैंने यहाँ पर 3 इंटरफेस को सेलेक्ट कर लिया। ओके, उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मुझे अपना पहला आर्टिकल बनाना है तो उस पे उसके इसमें मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे अपने आर्टिकल का टाइटल लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ से अपने आर्टिकल के टाइटल को कॉपी कर लूंगा और कॉपी करके इसको मैं यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दूंगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, मेरा आर्टिकल का टाइटल यहाँ पर बन जाएगा। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसको सिंपली से कस्टमाइज करना है, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पर कस्टमाइज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा क्या बन चुका है, आर्टिकल का टाइटल बन चुका है। ओके, उसके बाद मुझे यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन लगाना है और डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पर मुझे क्लिक हियर का बटन भी लगाना है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ से अपने डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो इस प्रकार से मेरा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपना टाइटल भी बना सकते हो और इस प्रकार से यहाँ पर आप अपना डिस्क्रिप्शन भी बना सकते हो। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर अपनी इमेज को लगाना है। तो इमेज को लगाने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट इमेज का, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यह वाला इंटरफेस आता है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है गूगल इमेज का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है वेट लॉस। ठीक है, फिर एंटर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एंटर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इतनी सारी इमेजेस आती हैं, सिंपली यहाँ से आपको एक इमेज को सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इस इमेज को यहाँ पर थोड़ा बीच में अरेंज कर लेना है, जैसे कि इसको मैं बीच में अरेंज कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो चुका, मेरा पहला आर्टिकल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने आर्टिकल का होम पेज बना लिया है। अब मान लो बंदे को इस आर्टिकल को रीड करना है तो सिंपली क्या करेगा, क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेगा। जैसे वो क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेगा तो वो हमारे मेन कंटेंट के ऊपर चला जाएगा। अब आपको अपना मेन कंटेंट कैसे बनाना है और उस मेन कंटेंट को यहाँ पर कैसे लिंक करना है उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस मेन कंटेंट को बनाने के लिए आपको सिंपली पेजेस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा होम का और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा 3 डॉट का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एड सब पेज का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है नेम का, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करके आपको क्या करना है, सब पेज के अंदर इसको आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपके सब पेज का टाइटल यहाँ पर बन जाएगा। सिंपली आपको डन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप डन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका सब पेज क्रिएट हो जाता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर कॉपी करेंगे और कॉपी करके थोड़ा सा इसको यहाँ पर कस्टमाइज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ जॉर्जिया और इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ बोल्ड। ठीक है, और इसके साइज को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इतना ही रखते हैं इसके साइज को। ठीक है, और इसका कलर भी हम यहाँ पर यही रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पर हमारा मेन टाइटल क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना जो हमारा मेन आर्टिकल है कंटेंट को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो कंटेंट को ऐड करने के लिए सिंपली इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर टेक्स्ट बॉक्स इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अपने आर्टिकल का मेन कंटेंट यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप किस तरीके से अपने आर्टिकल को क्रिएट करोगे, तो गाइस इसका भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अपने हाथों से अपना आर्टिकल क्रिएट कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, आपका आर्टिकल रैंक भी करेगा और साथ में आपके आर्टिकल के अंदर क्वालिटी भी आएगी। परंतु अगर आपको आर्टिकल लिखना नहीं आता है तो कॉपी एंड पेस्ट का मेथड बता रहा हूं, उसके माध्यम से भी आप अपने आर्टिकल को क्रिएट कर सकते हो और इस वाले तरीके से आप मनी मेक कर सकते हो। तो गाइस कॉपी एंड पेस्ट मेथड के अंदर आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली जाना है गूगल के ऊपर और गूगल के ऊपर जाकर आपको अपने मेन कीवर्ड को टाइप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ वेट लॉस और एंटर पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ वेट लॉस तो आप देखते हैं आपके सामने इतने सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं। जैसे कि आप देख लो यहाँ पर आपके सामने इतने सारे आर्टिकल्स आ जा रहे हैं।
सिंपली आपको क्या करना है, किसी भी एक आर्टिकल को यहाँ पर ओपन कर लेना। जैसे कि इस आर्टिकल को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये आर्टिकल है, इसको मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, सिंपली ओपन कर। यहाँ पर आर्टिकल ओपन हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इस आर्टिकल को पूरा रीड करना है और यहाँ से आपको सारे के सारे आर्टिकल को कॉपी कर लेना। और कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है इस टूल के ऊपर जिसका नाम है आर्टिकल रीराइटर टूल। इसके ऊपर आने के बाद आपको इस आर्टिकल को यहाँ पर पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इस आर्टिकल को रीराइट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर आर्टिकल को रीराइट करते हैं तो आपका आर्टिकल यहाँ पर यूनिक बन जाता है। अब आप इस आर्टिकल को किसी भी वेबसाइट के ऊपर शेयर करते हो तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। तो गाइस, अगर आपको आर्टिकल लिखना नहीं आता है तो आप इस मेथड के माध्यम से अपने यूनिक आर्टिकल को क्रिएट कर सकते हो और अपनी वेबसाइट के ऊपर शेयर कर सकते हो। इसी के माध्यम से मैंने अपना एक आर्टिकल बना रखा है जिसको मैं सिंपली अपनी वेबसाइट के ऊपर शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना आर्टिकल बना रखा है, इसको मैं सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मेरा कंप्लीट आर्टिकल बन चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने अपना कंप्लीट आर्टिकल बना रखा है। देन उसके बाद आपको अपने आर्टिकल के लास्ट में लिख देनी है एक एक्शन लाइन, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, अगर आप फ्रस्ट्रेटिंग है और रियल में वेट लॉस का सोल्यूशन चाहते हैं तो एक बार आप हमारे प्रोडक्ट को चूज कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसको मैंने आपको हिंदी में बताया, इसी बात को मैंने इंग्लिश में यहाँ पर लिख रखा है। और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, अपना एफिलिएट लिंक लगा दिया। अब आपको यहाँ पर अपना एफर्ट लिंक कैसे लगाना है उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, एफर्ट लिंक लगाने के लिए सिंपली आपको क्लिक हेयर के ऊपर कॉपी करना है, उसके बाद आपको जाना है अपने एफर्ट नेटर के ऊपर, यहाँ से आपको अपने एफर्ट लिंक को कॉपी कर लेना है। फिर आपको अगेन आना है अपने वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर आपको लिंक लगाने का ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और सिंपली यहाँ पर आपको अपने लिंक को पेस्ट करना है, फिर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका एफर्ट लिंक लग जाता है और यहाँ पर आपका कंप्लीट आर्टिकल रेडी हो जाता है। देन अगेन आपको जाना है होम के ऊपर, ठीक है। जैसे मैं होम के ऊपर अगेन चला जाता हूँ और इसी प्रकार से आपको यहाँ पर अपना दूसरा और तीसरा आर्टिकल क्रिएट कर लेना है। और इसी प्रकार से आपको क्या करना, अगेन यहाँ पर अपने सब पेजेस को क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने अपनी सिंपल सी वेबसाइट को क्रिएट कर लिया है, परंतु इस वेबसाइट की अभी एक बहुत ही बड़ी कमी है। कमी यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हमने अपने मेन पेज को सब पेज से कनेक्ट नहीं किया। मीन्स जैसे बंदा क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करेगा तो वो हमारे सब पेज के ऊपर जाएगा जहां पर हमने अपना कंप्लीट आर्टिकल बनाया, उसको अभी तक हमने कनेक्ट नहीं किया। कैसे कनेक्ट करना है उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, इसको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इस पेज को यहाँ पर पब्लिश करना होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर पब्लिश का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। पहले आपको इस पेज को यहाँ पर पब्लिश करना होगा। जैसे कि मैं इसको यहाँ पर पब्लिश करता हूँ तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने वेब एड्रेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ वेट लॉस, ठीक है, वेट लॉस गाइड्स। देखते हैं यहाँ पर ये अवेलेबल है, नहीं यहाँ पर अवेलेबल, एक बार ट्राई कर लेते हैं क्या ये यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर ये अवेलेबल है तो सिंपली हम पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम पब्लिश के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारी वेबसाइट यहाँ पर पब्लिश हो जाती है। पब्लिश होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा व्यू पब्लिश साइट का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी वेबसाइट जो पब्लिश हो चुकी है वह आपके सामने आ जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने जो वेबसाइट यहाँ पर क्रिएट की थी वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर नजर आ रही है। अब हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर अपने क्लिक हेयर के बटन को अनेबल करना है। इसको अनेबल करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको जो सब पेज आपने क्रिएट किया था उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सब पेज का यूआरएल आपके सामने आ जाता है। सिंपली आपको इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद अगेन आपको पेज के ऊपर आना है और यहाँ पर क्लिक हेयर के ऊपर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको अपने सब पेज के यूआरएल को यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, फिर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर अपने मेन पेज को सब पेज से कनेक्ट कर पाओगे। अगेन आपको पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अगेन पेज को पब्लिश करना है। जैसे मैं अगेन पब्लिश के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा पेज अगेन यहाँ पर पब्लिश हो जाता है। अगेन हम अपनी पब्लिश वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करते हैं। रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि हमने जो अभी क्लिक हेयर का बटन लगाया है क्या वह बटन यहाँ पर अनेबल हुआ है या नहीं हुआ है। सिंपली हम क्लिक हेयर के ऊपर जाएंगे और सिंपली क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक हेयर पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने एक न्यू पेज ओपन हो रहा है और देखते हैं क्या यहाँ पर हमने जो पेज, हमारा जो सब पेज था वह पेज ओपन होता है या नहीं ओपन होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सब पेज इससे कनेक्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसी प्रकार से आप यहाँ पर अपने दूसरे पेज के सब पेज को कनेक्ट कर सकते हो, साथ में आप यहाँ पर अपने तीसरे पेज के सब पेज को कनेक्ट कर सकते हो। इस प्रकार से आप अपनी कंप्लीट वेबसाइट को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। अब वेबसाइट क्रिएट करने के बाद आपको इसको कैसे प्रमोट करना है और किस प्रकार से इस वेबसाइट के ऊपर आपको ट्रैफिक लेके आना है उसकी कंप्लीट गाइड मैं आपको देता हूँ। दोस्तों, वेबसाइट क्रिएट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रैफिक को लाना है। अगर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को नहीं ले पाए तो हम इस वेबसाइट की मदद से एक भी रुपया को अर्न नहीं कर पाएंगे। तो आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रैफिक को ला पाए।
अब क्वेश्चन आता है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को कैसे लेके आ सकते हो। तो गाइस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाने के दो तरीके हैं। तो पहला तरीका आता है पेड का तरीका और दूसरा तरीका आता है फ्री ट्रैफिक मेथड्स। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ फ्री ट्रैफिक मेथड शेयर करने वाला हूं जिसके माध्यम से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रैफिक को ला सकते हो। एंड दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ तीन फ्री के ट्रैफिक सोर्स शेयर करने वाला हूं। अगर आपको और भी ज्यादा फ्री के ट्रैफिक सोर्सेस के बारे में नॉलेज चाहिए तो आप मेरी फ्री ट्रैफिक फॉर एफर्ट मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को देख सकते हो। उसके माध्यम से आपको 50 से भी ज्यादा फ्री के ट्रैफिक सोर्स मिल जाएंगे जिसके ऊपर आप इस वेबसाइट को प्रमोट करके मैक्सिमम से मैक्सिमम रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हो। तो गाइस आज के हमारे पहले फ्री ट्रैफिक सोर्स का नाम है ट्विटर। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फ्री का ट्रैफिक सोर्स है। इसके माध्यम से आप मिलियंस ऑफ ट्रैफिक अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आ सकते हो। अब इसके ऊपर आपको वर्क कैसे करना है उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इसके ऊपर वर्क करने के लिए सिंपली आपको ट्विटर को पर आना है और यहाँ पर आपको दिन के कम से कम 5 बार ट्वीट करने हैं और ट्वीट के अंदर आपको अपनी एफर्ट वेबसाइट के लिंक को शेयर करना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, सिंपली आपको ट्विटर को पर आना है और यहाँ पर पहले आपको प्रॉपर हैशटैग को लगाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर हैशटैग लगा देता हूँ वेट लॉस। इस प्रकार से आपको हैशटैग को लगाना है ताकि आपके ट्वीट को यहाँ पर रीच मिले और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रैफिक मिले आपकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर अपने जो आपके वेबसाइट है उसके लिंक को आपको यहाँ पर पेस्ट करना है और पेस्ट करके आपको ट्वीट के ऊपर क्लिक करना है। और ऐसा आपको कम से कम दिन में 5 बार करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी वेबसाइट के ऊपर मैक्सिमम मैक्सिमम ट्रैफिक आता है और वहां से आप मनी मेक कर पाते हो। तो गाइस ये था हमारा पहला ट्रैफिक सोर्स जिसका नाम है ट्विटर। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे ट्रैफिक सोर्स। तो गाइस हमारे आज के दूसरे ट्रैफिक सोर्स का नाम है टम्बलर। बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है और इस वेबसाइट के माध्यम से भी आप यहां पर मिलियंस ऑफ ट्रैफिक को जनरेट कर सकते हो। एंड दोस्तों इस वाले वेबसाइट के माध्यम से आप कैसे ट्रैफिक को जनरेट कर सकते हो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस ट्विटर के ऊपर आपको इतने सारे तरीके मिलते हैं जिसके माध्यम से आप यहाँ पर मैक्सिमम ट्रैफिक को जनरेट कर सकते हो। तो टम्बलर के अंदर आपको पहला तरीका मिलता है लिंक का। सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपने वेबसाइट के लिंक को शेयर करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने वेबसाइट के लिंक को पेस्ट करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर अपने वेबसाइट के लिंक को पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरी वेबसाइट की सारी डिटेल यहाँ पर फैच हो जाती है। देन यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट से रिलेटेड यहाँ पर टैक्स को लगाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर टैक्स लगा देता हूँ वेट लॉस टिप्स। इस प्रकार से आपको यहाँ पर टैक्स को लगाना है और उसके बाद आपको पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी पोस्ट टम्बलर के ऊपर शेयर हो जाती है। यहाँ से आपको ट्रैफिक मिलता है और आपकी वेबसाइट के ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रैफिक आता है। तो इस प्रकार से आप टम्बलर के ऊपर भी अपनी वेबसाइट को शेयर करके मैक्सिमम ट्रैफिक को जनरेट कर सकते हो। एंड दोस्तों आज के हमारे तीसरे ट्रैफिक सोर्स का नाम है पिंटरेस्ट। काफी अमेजिंग ट्रैफिक सोर्स है। इस ट्रैफिक सोर्स के माध्यम से भी आप मिलियंस ऑफ ट्रैफिक अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आ सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको जितने भी आपने यहाँ पर अपने आर्टिकल्स क्रिएट किए हैं सभी से रिलेटेड आपको यहाँ पर अपनी पिंस को क्रिएट करना है। पिंस कैसे क्रिएट करनी है उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस पिन क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है क्रिएट पिन का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने आर्टिकल्स रिलेटेड एक इमेज को यहाँ पर पेस्ट करना है। यहाँ पर आपको अपने आर्टिकल का टाइटल को पेस्ट करना है और यहाँ पर आपको अपने आर्टिकल के डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करना है और यहाँ पर आपको लगा देना है अपने आर्टिकल का जो लिंक था उसको आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक सुटेबल बोर्ड के अंदर अपने पिन को सेव करना है, फिर पब्लिश के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पिन पिंटरेस्ट के ऊपर रैंक होती है, वहां से आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आता है और वहां से आप मनी मेक कर पाते हो। एंड गाइस पिंटरेस्ट के अंदर आप जितने भी अपनी पोस्ट बनाओगे उतनी पिन आपको यहाँ पर क्रिएट करनी है। जितनी ज्यादा पिन आप यहाँ पर क्रिएट करोगे उतने ज्यादा ट्रैफिक आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके जा पाओगे और वहां से आप मैक्सिमम रेवेन्यू को जनरेट कर पाओगे। तो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज का तरीका पसंद आया होगा, आज का टूल भी आपको पसंद आया होगा और आज की एफर्ट वेबसाइट भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वेबसाइट पसंद आई है तो प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, बस को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।